शैतान नजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीअं त आउं आहियां नज़ीर हुसैन लाशारी ऐं अॼु जो असांजो डेमो लेक्चर आहे क्लास सिक्स मां जनरल साइंस मां। चैप्टर नंबर वन आहे असांजो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीकु आहे, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। त हिन चैप्टर जो मतिलबु आहे त प्लांट्स ऐं एनिमल्स जी जेका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जेका सेल जी जेका बनावट थिए थी, हिन सेल जेको एग्ज़िस्टेंस करे थो, उहो कीअं थो अचे, हुन जे बारे में पूरो जो पूरो लेक्चर असां ई डिस्कस कंदासीं। ठीकु आहे, त असांजो फर्स्ट टॉपिक जेको आहे उहो आहे असांजो सेल। चैप्टर नंबर वन जो फर्स्ट टॉपिक असांजो छा आहे, सेल आहे। हाणे ईंदासीं सभ खां पहिरियां असां डिफाइन सेल। सेल खे असां कोशिशि कंदासीं त डिफाइन कयूं सुठे नमूने सां। त हाणे अॼु जो असांजो जेको पहिरीं पहिरीं जेका पॉइंट आहे हिन जी, सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। त हाणे जेको सेल आहे, सेल जेको आहे उहो बेसिक बुनियादी फंक्शनल कम जो कंदड़ ऐं स्ट्रक्चरल यानि बनावती यूनिट यानि एको आहे छाजो, लिविंग थिंग्स जो। हाणे लिविंग थिंग्स मां छा मुरादु आहे, अचो त थोरो सां हिननि खे डिफाइन करे अचूं। यानी हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि लिविंग थिंग्स, ॿियूं हूंदियूं आहिनि असांजूं, हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि छा लिविंग थिंग्स, ॿियूं असांजी छा हूंदियूं आहिनि, ॿियूं हूंदियूं आहिनि असांजूं नॉन लिविंग थिंग्स। हाणे असांजी त लिविंग थिंग्स थोरो सां हिननि खे डिफाइन कयूं था। त लिविंग थिंग्स छा हूंदियूं आहिनि, लिविंग थिंग्स उहे जानवर या सॉरी उहे जानदार या उहे शयूं जेके छा कनि, मूवमेंट करे सघनि, यानी इहे हिननि जूं प्रॉपर्टीज़ हूंदियूं। ठीकु आहे, रेस्पायर करे सघनि, यानी रेस्पायरेशन जो अमल करे सघनि। ठीकु आहे, उनखां पोइ रिप्रोडक्शन जो अमल करे सघनि। ठीकु आहे, उनखां पोइ ॿिया काफ़ी सारा जेके अमल आहिनि उहे करे सघनि, उन्हनि खे छा चइबो असांजो, लिविंग थिंग्स। ठीकु आहे, ऐं असांजो नॉन लिविंग थिंग्स छा खे चइबो आहे, त जेके ही मूवमेंट यानी मूवमेंट बि न कनि, रेस्पायरेशन बि न कनि ऐं रिप्रोडक्शन बि न करे सघनि ऐं ॿिया काफ़ी सारा, छो जो सिक्स लेवल जी आहे, सिक्स लेवल ते असां सिर्फ़ु जस्ट थोरो इंट्रो करे हलंदासीं शयुनि जो। ठीकु आहे, लिविंग ऐं नॉन लिविंग में तव्हांखे फ़र्क़ु महसूसु थी वियो हूंदो। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं मां चवां त हीउ मार्कर आहे, त हीउ मार्कर इहो इते ई पियो हूंदो, जेकॾहिं असां ॿिनि सालनि खां पोइ हिनखे असां ॾिसंदासीं त उहो इते ई पियो हूंदो, अनटिल एंड अनलेस, जेसी ताईं हिनखे को एक्सटर्नल फोर्स न लॻे। जेकॾहिं मां हिनखे, हीउ मुंहिंजो हैंड आहे, हैंड जे ज़रिए मां हिनखे हितां खां खणी करे हिसी ते रखंदुसि, यानी हीउ मां एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कयो छाजे ज़रिए, पंहिंजे हैंड जे ज़रिए। पर जेकॾहिं इहो इते ई पियो हुजे हा, मां एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कयां हा, त इहो इते ई पियो हुजे हा, काॾे बि न वञे हा। ठीकु आहे, अचो उनखां पोइ, सेल वॉज़ फस्ट डिस्कवर्ड बाए, सेल फस्ट डिस्कवर्ड कंहिं कयो, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हुयो, फ्रॉम स्लाइज ऑफ कॉर्क बाय द यूज़िंग ऑफ माइक्रोस्कोप। वरींदासीं थोरो माइक्रोस्कोप जेको वर्ड आहे इनखे थोरो डिफाइन कयूं त माइक्रोस्कोप वर्ड हूंदो छा आहे। माइक्रोस्कोप हीअ ॿिनि वर्डनि जो मजमू आहे, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीकु आहे, एंड स्कोप मीन्स टू सी स्मॉल थिंग्स, दोज थिंग्स, या ईअं कीअं खणी चयोसि, दोज थिंग्स विच वी कॉन्ट सी विथ अवर नेक्ड आइस, जेके असां पंहिंजी आम अख सां नथा ॾिसी सघूं, उन्हनि खे छा चइबो आहे, उन्हनि शयुनि खे ॾिसण जे लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, माइक्रोस्कोप। अचो अॻिते, अच्छा हीअ कॾहिं कई, इन 1665 में। ठीकु आहे, 1665 में न इहो कॉर्क मां छा लधो, सेल्स खे डिस्कवर कयो। उनखां पोइ असां चए थो, द वर्ड सेल टेकन फ्रॉम द लेतिन वर्ड, लेतिन यानी लातेनी ॿोलीअ जा वर्ड मां, लातेनी ॿोलीअ जे वर्ड मां हीअ सेल वर्ड वरितलु आहे। उन कहिड़े वर्ड मां, सेला। सेला जी मीनिंग छा आहे, स्मॉल रूम्स। जॾहिं हुन ॾिठो, थोरो अचो त से मतिलबु स्मॉल रूम्स हुन कीअं नालो रखियो, जॾहिं हुन ॾिठो कॉर्क हिकिड़ो खईं, उन कॉर्क में अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो स्ट्रक्चर आयो, हुनखे अहिड़े तरीक़े सां हुन में छा ॾिसण में आया, नंढा नंढा स्मॉल स्मॉल रूम्स ॾिसण में आया। हिन चयो त इहो हिकिड़ो होलो स्ट्रक्चर आहे,
ये ई पेन जी था मिसाल या आम डेली लाइफ में जी माखी जो मनारो थी ना मेनारो यानी जी माखी उतरे जिसे खाज वगैरह कहती है तो उन वगुर ही उन्हें डिठा तो ये सेल्स जी ये पान में पाया हुआ इन चाहिए इन वगुर ही जी ये सेल्स प्रेजेंट हुआ इन कर नालो रख सिमाल रूम्स ठीक है। अच्छा शेप ऑफ सेल्स जचूँ था हूँ तो काफ़ी सारा शेप्स पर अचो थोड़ी सौ सेल्स आर इन डिफरेंट शेप्स सेल्स मुख्तलिफ़ शेप्स में थी बट मेनली बट खास तौर पर मेनली टू शेप्स टू टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ डिस्कस्ड हेयर बस बिन टाइप्स असा कर नंबर वन असो है एनिमल सेल जो शेप है बो असो है इतना प्लांट सेल जो शेप अचो तो ही दिसंदासी ही एकड़ो सर्कुलर टाइप है हिन में केड़ा केड़ा ऑर्गेनेल प्रेजेंट हुंदा आइन ये समझो सेल मेम्ब्रेन ठीक है यानी जीव घड़े जी भित सिंधी में चवंदा आहियूं इन खे न्यूक्लियस ठीक है उन खां पो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो केड़ो कम हुंदो आहे सेल मेम्ब्रेन या परमिएबल हुंदी आहे परमिएबल यानी कें शे के अंदर सेल के दाखिल थे दी है कें शे के दाखिल न थे दी है मिसाल के घर के बाहर एक गार्ड बीठो है हाँ उन गार्ड के खबर है तो ही मानू घर जहाँ भाती है इनके छड़ी यानी ही इन गेस्ट हैं इनके छड़ी ही इन मिट माइट उन्होंने छड़ी पर जो अननोन मानू इंदो जो नुकसान पहुँचने वो मानू हों उन कदें न छड़ी ठीक है सेल मेम्ब्रेन जो कम हों जस्ट लाइक वर्क लाइक गार्ड उन न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में अंदर वरी इतने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हुआ यो तो डीप जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करें सीखा उन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में होंद इतना वही मतलब सेल न्यूक्लियस का वही करे सेल मेम्ब्रेन तीन विचवारो जो स्ट्रक्चर है इन सजे साइटोप्लाज्म चूं था इन में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हुआ जेली लाइक सब्सटेंस यो वो डीप जो टॉपिक है फिलहाल इस तीन समझोस तो यो सेल साइटोप्लाज्म होंद इन साइटोप्लाज्म में ऑल अदर रिएक्शंस वो इन में थींदा ठीक है। अचो अचो ना सेल वाल ते सॉरी प्लांट सेल ते प्लांट सेल वरी मुख्तलिफ़ शेप है ही एकड़ो होंद इन जो बाहर सेल वाल अच्छा एकड़ी शे जेन में जरूर रखो तो सेल मेम्ब्रेन जो होंगी उ लिविंग होंगी सेल वाल जो होंगी उ नॉन लिविंग होंगी ठीक है यह जेन में जरूर हुए उनखां पो वेक्यूल सेल वाल में सॉरी इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे एंड न्यूक्लियस जी असा के एनिमल सेल में प्रेजेंट है उनखां पो साइटोप्लाज्म भी आए ठीक है। अचूँ था नेक्स्ट असा पांजे पेज ते तो जैसे नेक्स्ट पेज ते आयासी तो डिफरेंस बिटवीन सेल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ठीक है। सब का पहले असी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हाँ तो असं सेल वाल सब का पेरों डिफरेंस है सेल वाल एनिमल सेल में प्रेजेंट नाए होंद ठीक है या नाए होंगी उन प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होंगी सेल मेम्ब्रेन बोथ में प्रेजेंट होंगी ठीक है। वेक्यूल वेक्यूल जो क्या है एनिमल सेल में स्मॉल होंदा यानी नंढा होंदा साइज जहा पर घना होंदा बट प्लांट सेल में लार्ज वेक्यूल हों बट ओनली वन हों ठीक है। यह शे जरूर जेन है मुझे उन असो फोर्थ जो असो डिफरेंस अचे तो वह है क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एबसेंट हों यानी ना प्रेजेंट हों अच्छा उन प्लांट सेल में यो प्रेजेंट हों यानी एनिमल सेल में एबसेंट हों एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट हों बया भी काफ़ी सारा डिफरेंसिस लेकिन सिक्स लेवल तीन सिर्फ ए सिर्फ ये असाजा मेंशन थल ये बुक के मुताबिक पॉइंट्स हैं ठीक है। उनखों को नेक्स्ट टॉपिक अचे तो असो यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर यूनी मीन्स सिंगल कॉमन वर्ड है उनखों सेल्युलर मीन्स सेल यानी ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल जी लाइफ डिपेंड करे दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर उनखासी मल्टी सेल्युलर से जैसे मल्टी सेल्युलर थी तो मल्टी मीन्स मेनी सेल्युलर मीन्स सेल्स यानी ऑर्गेनिजम्स जैसी लाइफ मेनी मेनी सेल्स से डिपेंड करे अचो थोड़ा इनके डिफाइन क्यों दीज आर मोस्टली फाउंड इन वाटर मॉइस्ट एरियाज एंड इन सॉइल
ठीक है, यानी जेके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हूंदा आहिनि उहे वाटर में प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि, मॉइस्ट एरियाज में, मॉइस्ट एरिया यानी घिम वारी जॻहि, यानी जेके मिसाल छांव वग़ैरह अचे थी वणनि जी, घिमियल जॻहि आहे उते, एंड सॉइल ज़मीन जे अंदरि। अचो, दे परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन्स, इहे सभु जो सभु नेसेसरी फंक्शन्स। मिसाल खणी चऊं त जीअं असां पोइते पढ़ी आयासीं त असां पोइते छा पढ़ियोसीं त जेके लिविंग हूंदा आहिनि उहे मूवमेंट बि कंदा आहिनि, रेस्पिरेशन कंदा आहिनि, रिप्रोडक्शन कंदा आहिनि, जिने इहो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो आहे न, त इहे सभु जो सभु फंक्शन्स जेके आहिनि, इहे सभु जो सभु फंक्शन्स इहे प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि जिने जेके परफॉर्म कंदा आहिनि केरु, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स। यानी अचो त इहे असांजो सभ खां पहिरियों एग्ज़ाम्पल आहे हिन जो, अमोबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ठीकु आहे, हाणे अचो थोरो हिनजो स्ट्रक्चर ॾिसूं त अमोबा जो स्ट्रक्चर कहिड़ो आहे। अमोबा जो इररेग्युलर स्ट्रक्चर हूंदो आहे, इररेग्युलर स्ट्रक्चर हूंदो आहे। ठीकु आहे, अच्छा हुन खां पोइ पैरामीशियम जो स्ट्रक्चर कीअं हूंदो आहे। पैरामीशियम जो जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ईअं हूंदो आहे, हिन जे ॿाहिरां इहे छा हूंदा आहिनि, इहे सीलिया प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि जेके हेल्पफुल हूंदा आहिनि छाजे लाइ, मूवमेंट जे लाइ। ठीकु आहे, हिन में अंदरि ॿिया मुख़्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स प्रेज़ेंट, मुख़्तलिफ़ जेके असांजा ऑर्गेनेल्स हूंदा आहिनि उहे प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि हिन में। ठीकु आहे, हुनखां पोइ यूग्लिना वग़ैरह अची थी वञे, हुनखां पोइ असांजे थो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स में जेके ॾिसंदा त असां पोइ हिते पढ़ी आयासीं, मल्टी मीन्स मेनी, सेल्युलर मीन्स सेल्स, दे फाउंड इन वाटर, वाटर में प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि, एज़ वेल एज़ ऑन लैंड। हाणे जेके वाटर में प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि उन्हनि में असां एग्ज़ाम्पल ॾिसूं था, हाइड्रा, हाइड्रा इज़ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म, एंड फिश इज़ ऑल्सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म प्रेज़ेंट इन वाटर। इहे वाटर में, पाणीअ में मौजूदु हूंदा आहिनि, उन्हनि खे उहे ऑर्गेनिज़म्स जेके पाणीअ में मौजूदु हुजनि, यानी जेके दोज़ ऑर्गेनिज़म्स, थोरो चवनि असां हिनखे ॾिसूं था, दोज़ ऑर्गेनिज़म्स विच आर लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अच्छा बिया कड़ा हुआ असाजा जी लैंड ऑर्गेनिजम्स रन पे उन दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन, लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड, उन्हनि खे छा चयो वेंदो आहे, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स। ठीकु आहे, इहा शइ क्लियर थियल हुजे, यानी जेके उहे ऑर्गेनिज़म्स जेके छा में रहनि, वाटर में रहनि, दोज आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, उहे ऑर्गेनिज़म्स जेके लैंड ते रहनि उन्हनि जिने जेके खुश्कीअ ते रहनि, ज़मीन ते रहनि, दे दोज ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स। ठीकु आहे, अॻिते अचूं था असांजो, अच्छा हिते असांजो लेक्चर थिए थो कंप्लीट, ऐं इनशाला अञा असां हिनखे की पॉइंट्स थो ॾिसूं त हिन में असां छा छा डिस्कस कयो सेल में, असां लेक्चर में सभ खां पहिरियां सेल जे बारे में डिस्कस कयोसीं, सेल आहे छा, उनखां पोइ शेप्स ऑफ सेल्स डिस्कस कयोसीं, त शेप्स घणनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि, थियनि त काफ़ी क़िस्मनि जा था, लेकिन फ़िलहालु असां ॿिनि क़िस्मनि जा डिस्कस कया। उनखां पोइ टाइप्स ऑफ सेल्स जे डिस्कस कयो, उनखां पोइ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स, दोज़ ऑर्गेनिज़म्स विच आर डिपेंड अपॉन देयर लाइफ डिपेंड अपॉन वन सेल, यानी सिंगल सेल, दोज़ आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर, ऐं जंहिंजी असांजी हिक खां वधीक सेलनि ते लाइफ डिपेंड करे, दोज़ आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स। उनखां पोइ डिफरेंस बिटवीन असां एनिमल ऐं प्लांट सेल जे विच में पढ़ियोसीं, उनखां पोइ यूनिसेल्युलर ऐं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स जा एग्ज़ाम्पल्स पढ़ियासीं। अच्छा हिते हिकु शइ मां थोरो डिफाइन कंदो हलां त मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स में असां कहिड़ा कहिड़ा एग्ज़ाम्पल पढ़िया, हिकिड़ो असां हाइड्रा जो एग्ज़ाम्पल पढ़ियो, ॿियो असां पढ़ियोसीं फिश जो एग्ज़ाम्पल, बट असां अगरि ॿियो ॾिसूं था, असां ह्यूमन्स जेके आहियूं, ह्यूमन्स बि असां मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म जो आहियूं, पर लैंड वारा, सॉरी टेरेस्ट्रियल, लैंड ते रहंदड़ या टेरेस्ट्रियल, इहे असांजा कहिड़ा आहिनि, एक्वेटिक। ठीकु आहे, उनखां पोइ इहे असांजा कहिड़ा आहिनि,
टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में कड़ा कड़ा चीज ह्यूमन, उनका पो बर्ड्स में मिसाल खड़ी चाहूँ ईगल जो मिसाल खड़ी चाहूँ ईगल है, उनका पो समझो मिसाल बफेलो वगैरह जिके भी समझा ऑर्गेनिजम्स अच्छी था वजन, ठीक है ये समझा ऑर्गेनिजम्स से क्या हुए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मुझे ख्याल में इतने असें पाँच लेक्चर के क्यों था कंप्लीट इनशाला मौको मिलो तो इनका असं पाँ लेक्चर में असं पाँ साइंस के कंप्लीट कंदी। सो मुख्य इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।